हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित तिवारी और ये हमारी पैटर्न प्रोग्राम्स ट्यूटोरियल सीरीज है। आज के इस पार्ट में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे और जब ये पैटर्न हम अचीव कर लेंगे, इसे ड्राइव कर लेंगे, तो जो इसके सिस्टम पैटर्न है उनको हम इस पैटर्न की हेल्प से इजीली ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ इसमें प्रिंटिंग वैल्यूज का डिफरेंस होता है। अगर हम एस्ट्रिक की जगह अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करेंगे तो हमें ये सारे पैटर्न मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पैटर्न को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पैटर्न में हमें पहली इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स। ओके, तो नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स हमें कैसे मिलते हैं, रोज को काउंट करके। आप यहाँ इस पैटर्न की रोज काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 7। इसका मतलब जो हमारा आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 7 टाइम्स चलेगा। अब यहाँ इस पैटर्न में एक स्पेशलिटी है, आप एक स्पेशल केस है। यहाँ पे प्रिंटिंग किस फॉर्म में हो रही है, पहले 1 एस्ट्रिक, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर इसके बाद ये रिवर्स हो रहे हैं, 3, 2, 1। तो इस टाइप के पैटर्न को अचीव करने के लिए मैं जो मेरा आउटर लूप है मैं इसे 3, 2, -3 रन करूंगा। यहाँ पे जब ये 3 से लेके -3 तक रन करेगा तो ये 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड -3, मतलब टोटल 7 नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि आउटर लूप का जो रन होता है वो हमारे इस रोज को कंट्रोल करता है। अब वो 7 टाइम्स है तो 1 से 7 भी आप उसे इनिशियलाइज कर सकते हो, 7 से 1 भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या आप उसे 11 से लेके 17 तक भी रन कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो चलने कितनी बार चाहिए, 7 टाइम्स रन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जिन वैल्यूज से या जिस कंडीशन तक आउटर लूप को रन करते हैं उनको हम इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं या कंडीशन इस टाइप से हम चूज करते हैं ताकि हम इन वेरिएबल का, इस लूप वेरिएबल का यूज कर सकें पैटर्न को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइप के पैटर्न में ये हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए मैं इसे 3, 2, -3 रन करूंगा और इस वैल्यू का यूज करूंगा मैं हमारे इनर लूप वेरिएबल को कंट्रोल या इनर लूप को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 7 टाइम्स चलने चाहिए था इसलिए मैंने इसे कितने से कितने बार रन किया है, 3, 2, -3, तो ये टोटल 7 टाइम्स रन करेगा। इसका कोड किस टाइप से होगा, फॉर आई इज इक्वल एन, आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एन एंड आई माइनस माइनस। एन एक वेरिएबल है साइज, जिसकी साइज हमने दी हुई है 3, तो आई को हमने 3 से इनिशियलाइज किया है और रन कहां तक कर रहे हैं, आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये टोटल 7 टाइम्स रन करेगा। अब सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इनर लूप रन्स। तो नंबर ऑफ इनर लूप रन्स के लिए हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे आप अगर इस पैटर्न में नोट करें तो जब फर्स्ट रो प्रिंट हो रही है, मतलब जब हमारा आउटर लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, मतलब इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए, सिर्फ एक बार, 1 टाइम। देन जब सेकेंड रो प्रिंट हो रही है तो 2 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, मतलब 2 बार आपका इनर लूप चलना चाहिए। जब थर्ड रो प्रिंट हो रही है तो 3 बार चलना चाहिए। जब फोर्थ रो प्रिंट हो रही है तो 4 टाइम्स प्रिंट होने चाहिए। इसके बाद जब फिफ्थ रो प्रिंट होगी तो यहां से ये डिक्रीज होने लगेंगे, फिफ्थ रो पे ये 3 कॉलम्स प्रिंट करेगा। देन सिक्स रो पे ये कितने कॉलम्स प्रिंट करेगा, सिर्फ 2 कॉलम्स प्रिंट करेगा। एंड सेवेंथ रो पे ये अगेन कितने कॉलम प्रिंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ पे जो इनर लूप वेरिएबल है या जो इनर लूप का रन है ये किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, आई के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए हम जो कंडीशन यूज करेंगे वो होगी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एबीएस आई। ये एबीएस एक फंक्शन होता है, ये हर जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट फंक्शन ये आपको मिलेगा, C++, जावा, C#, सब में ये फंक्शन होता है। आई होप आप इससे फैमिलियर हैं। अगर आप इससे फैमिलियर नहीं है तो मैं इसके छोटा सा इंट्रो में देता हूं। एबीएस फंक्शन आपको किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब यहाँ पे नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है। अगर आप यहाँ पे एबीएस ऑफ 10 करेंगे तो ये आपको 10 रिटर्न करेगा, अगर आप एबीएस ऑफ -5 करेंगे तो ये आपको 5 रिटर्न करेगा। ये कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करता, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसे किस कंडीशन तक रन कर रहे हैं, एबीएस आई, मतलब ये
3210 और ये जो -1 -2 -3 के लिए जब आप इसे रन करोगे तभी ये इसे 1 2 3 रिटर्न करेगा। जब हम इसे रन करेंगे तो ये आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा कोड किस टाइप से होगा इनर लूप का, फॉर j इज इक्वल टू n, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एस आई एंड j माइनस माइनस। तो ये हमारा इनर लूप का कोड हो गया। अब थर्ड इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, वॉट टू प्रिंट। तो यहाँ हम किस चीज की प्रिंटिंग कर रहे हैं, एक एस्ट्रिक सिंबल की। तो यहाँ पे प्रिंटिंग किस चीज की होगी, प्रिंट एफ एस्ट्रिक। ये प्रिंट एफ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कोड मैं सी में कंसीडर कर रहा हूँ, सी में क्रिएट कर रहा हूँ। आप इसे जावा सी शार्प या सी प्लस प्लस में अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एस्ट्रिक की प्रिंटिंग होगी और ये न्यू लाइन देने के लिए जैसे कि हम कोड्स में यूज करते हैं, हम हमारे इनर लूप और आउटर लूप के बीच में एक न्यू लाइन स्टेटमेंट देंगे। और बस ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में ये पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। तो चलिए एक बार हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा कोड है, चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा न्यू वेरिएबल जो n है ये मेमोरी में आएगा और n को हम किससे इनिशियलाइज करेंगे, 3 से इनिशियलाइज होगा। अब इसके बाद हमारे जो प्रोग्राम का कंट्रोल है ये आउटर लूप पे मूव करेगा। I is equal n, I is greater than equal to minus n, मतलब I initialize होगा n से जो कि है 3, और condition क्या है, I is greater than equal to minus n, minus n means minus 3, तो at present ये condition true है, 3 जो है वो minus 3 से greater होता है, तो ये condition true है, इसलिए जो हमारे program का control है, ये कहाँ move करेगा, inner loop पे। अब जब हम इस inner loop पे आएंगे, j n से initialize होगा, तो j initialize होगा 3 से, कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं j इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एस आई, आई की वैल्यू है 3 तो ए बी एस आई की वैल्यू भी कितनी होगी 3, तो ये कंडीशन ट्रू है। और ये इनर लूप कितनी बार रन करेगा, सिर्फ एक बार रन करेगा 3 के लिए, बिकॉज इसके बाद j माइनस माइनस से j की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये अभी एट प्रेजेंट ये इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक बार, इसलिए हमें आउटपुट में एक एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट होके मिलेगा। अब इसके बाद हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करेगा इस न्यू लाइन स्टेटमेंट पे, एक न्यू लाइन स्टेटमेंट आउटपुट में जनरेट होगी और अब प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप को कंटिन्यू करेगा। आई माइनस माइनस से आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2, देन ये कंडीशन अभी भी ट्रू है इसलिए प्रोग्राम का कंट्रोल इनर लूप में जंप करेगा। कंडीशन जो चेक कर रहे हैं वो क्या है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एस आई, j इनिशियलाइज हुआ है 3 से n की वैल्यू और कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी एस आई की वैल्यू अभी कितनी होगी 2, बिकॉज i की वैल्यू है 2, इसलिए ये जो इनर लूप है ये अब कितनी बार रन होगा, 2 टाइम्स रन होगा, एक बार 3 के लिए और एक बार 2 के लिए, इसलिए आउटपुट में हमें कितने एस्ट्रिक सिंबल्स प्रिंट होके मिलेंगे 2। देन अगेन न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम कंट्रोल हमारे लूप को कंटिन्यू करेगा और i माइनस माइनस से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है इसलिए फिर से प्रोग्राम कंट्रोल इनर लूप में मूव करेगा। फिर से j इज इक्वल n, मतलब j की वैल्यू 3 से इनिशियलाइज हुई और कंडीशन हम क्या टेस्ट करेंगे, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एस आई, आई की वैल्यू है 1, मतलब ए बी एस आई की वैल्यू भी कितनी होगी 1, एब्सोल्यूट 1, कंडीशन ट्रू है और अब ये लूप कितनी बार रन करेगा, 3 टाइम्स रन करेगा, 3 के लिए, जब j की वैल्यू 3 होगी, जब j की वैल्यू 2 होगी और जब j की वैल्यू 1 होगी, इसलिए हमें आउटपुट में 3 एस्ट्रिक प्रिंट होके मिलेंगे। देन न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम्स कंट्रोल लूप को कंटिन्यू करेगा, i माइनस माइनस से अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन माइनस 3, ये कंडीशन ट्रू है अभी भी, इसलिए फिर से प्रोग्राम्स कंट्रोल जंप करेगा इनर लूप में, j की वैल्यू 3 है, इनिशियलाइज 3 से हुआ, 0 ABSI की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये लूप कितनी बार रन करेगा, 4 टाइम्स, एक बार 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए एंड 0 के लिए। एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट में 4 एस्ट्रिक सिंबल्स प्रिंट होके मिलेंगे। देन अगेन न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम्स कंट्रोल लूप को कंटिन्यू करेगा, आई माइनस माइनस से अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, -1 -3 से ग्रेटर होता है इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। फिर से प्रोग्राम्स कंट्रोल इनर लूप में एंटर करेगा। अब यहाँ पे आप नोट करें,
जे इनिशियलाइज हुआ है एन की वैल्यू से 3, और कंडीशन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एस आई, आई की वैल्यू है -1, बट यहाँ पे हम बिकॉज ए बी एस आई यूज कर रहे हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई यूज कर रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, तो ये -1 जो आई की वैल्यू है ए बी एस आई कितना होगा 1। अब आप इस कंडीशन को चेक करें, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, और ये कितनी बार रन करेगा लूप, 3 टाइम्स, एक बार 3 के लिए, एक बार 2 के लिए और एक बार 1 के लिए। एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट में 3 एस्ट्रिक्स प्रिंट होके मिल जाएंगे। देन अगेन न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम्स कंट्रोल लूप को कंटिन्यू करेगा, आई माइनस माइनस है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, -2 -3 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए प्रोग्राम्स कंट्रोल फिर से इनर लूप में एंटर करेगा। यहाँ पे जे 3 से इनिशियलाइज हुआ जो एन की वैल्यू है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी एस आई, आई की वैल्यू -2, इसका मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 2 है, कंडीशन अभी ट्रू है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, और कितनी बार ये लूप टोटल रन करेगा, 2 टाइम्स रन करेगा, एक बार 3 के लिए जब जे की वैल्यू 3 है, एंड सेकेंड टाइम जब जे की वैल्यू 2 होगी। एज अ रिजल्ट हमें आउटपुट में 2 एस्ट्रिक सिंबल्स प्रिंट होके मिल जाएंगे। फिर से हमारी न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम्स कंट्रोल लूप को कंटिन्यू करेगा, आई माइनस माइनस से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये दोनों इक्वल है इसलिए कंडीशन ट्रू है। फिर से प्रोग्राम्स कंट्रोल इनर लूप में जंप करेगा, जे की इनिशियल वैल्यू है 3, ए बी एस आई की वैल्यू होगी 3, -3 है तो ये आई की वैल्यू -3 है तो ए बी एस आई की वैल्यू 3 होगी, तो ये कंडीशन ट्रू है, और ये लूप कितनी बार रन करेगा, सिर्फ एक बार, बिकॉज जैसे ही ये सेकेंड टाइम रन करेगा तो जे माइनस माइनस इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये टोटल एक बार रन करेगा और हमें आउटपुट में एक एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट होके मिल जाएगा। इसके बाद फिर से हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम्स कंट्रोल लूप को कंटिन्यू करेगा, आई माइनस माइनस से आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी -4, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये कंडीशन फॉल्स है, -4 -3 से ग्रेटर नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस स्टेटमेंट से, इस लूप से डायरेक्ट बाहर जंप कर जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। बट जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमें एज अ रिजल्ट आउटपुट में ये पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। चलिए हम इसे एक बार आईडी में रन करके देखते हैं और जो बाकी इसके वेरिएंट्स हैं, जो इसके सिस्टम पैटर्न्स हैं, उसे हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं सिर्फ इस प्रिंट वैल्यू में चेंज करके, तो उन सबको हम एक बार आईडी में देखते हैं। चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एबीएस फंक्शन का यूज किया हुआ है, सी और सी प्लस प्लस में ये फंक्शन जो है ये आपको math.h हेडर फाइल के अंदर मिल जाता है, तो आपको अगर ये फंक्शन यूज करना है तो आप इसे सी और सी प्लस प्लस में math.h हेडर फाइल का आप यूज कर सकते हैं। ओके, जावा में मैथ डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, मैथ क्लास का ये फंक्शन होता है, ऐसे ही आप इसे सी शार्प में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो देखिए ये हमें आउटपुट मिल रहा है, डिजायर्ड पैटर्न। अब जो इसके सिस्टम पैटर्न्स हैं, जैसे ये इस पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आप एस्ट्रिक की जगह जे की वैल्यू प्रिंट करिए और आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको इसका जो कैरेक्टर पैटर्न है वो चाहिए तो आप इसे एज अ कैरेक्टर प्रिंट करके जे प्लस 65 करिए। आई होप आप ASCII कोड से फेमिलियर हैं, अगर नहीं है तो जो ASCII कोड पे एक ट्यूटोरियल हमने किया हुआ है आप उसे देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ जो 65 है ये ASCII कोड होता है A का। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसे J की वैल्यू में प्लस करेंगे तो ये जो A B C D इस टाइप के अल्फाबेट्स क्रिएट करते जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसे J प्लस 65 प्रिंट करेंगे तो ये हमें एक कैरेक्टर पैटर्न इस टाइप का हमें आउटपुट में मिलेगा। जो दूसरा नंबर पैटर्न है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज परफॉर्म करने हैं इनिशियलाइजेशन और कंडीशन में इनर लूप की। जो आपका कंडीशन है उसे आप इनिशियलाइजेशन कर दें, मतलब मैं इस जे को ए बी एस ऑफ आई से इनिशियलाइज कर दूं, कंडीशन में चेंज करूं जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू एन एंड जे प्लस प्लस। अब अगर आप इस लूप को रन करेंगे, इस पैटर्न, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट में ये पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएगा। सिमिलरली अगर
यहाँ पे अगर इसका कैरेक्टर पैटर्न हमें चाहिए तो परसेंट सी का यूज करके जे प्लस 65 की वैल्यू हम प्रिंट कर दें। आप इसे रन करें तो आपको आउटपुट में ये पैटर्न मिल जाएगा, क्योंकि तो ये जितने भी पैटर्न्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिर्फ प्रिंटिंग वैल्यूज का फर्क है। तो प्रिंटिंग वैल्यूज को हम इनर लूप और आउटर लूप वेरिएबल्स की हेल्प से या किसी थर्ड वेरिएबल की हेल्प से इजिली अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम, ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, देन हम उनसे भी डिस्कस करेंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। वन मोर थिंग गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।